शिवम शिवम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमट डमट। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्तु भाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको शिवागो.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि वृषभ राशि के जातक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण के महीने में क्या करें। हम साल 2020 की बात कर रहे हैं। भगवान शिव पर क्या चढ़ाएं, भगवान शिव के लिए कौन से मंत्रों का जाप करें, क्या दान करें, कौन से फूल चढ़ाएं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि श्रावण में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व रहता है। भोलेनाथ के भक्त उनकी कृपा पाने के लिए श्रावण में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो किसी न किसी कारणवश इस माह में शिव जी की आराधना ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो श्रावण में शिव जी की पूजा का सुनहरा मौका नहीं मिल पाता है, तो हम आपको राशि अनुसार कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को आप गन्ने से स्नान करवाइए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर मोगरे के फूल चढ़ाएं और मीठे का भोग लगाकर आप आरती करें। वृषभ राशि हम आपके लिए बता रहे हैं। वृषभ राशि के जातक एक काम और कर सकते हैं, हर सोमवार को जल मिश्रित दूध चढ़ाएं और इसके साथ ही आप दही और चंदन और सफेद फूल चढ़ा सकते हैं। पूजा करते समय आप रुद्राष्टक का पाठ करें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति सही रहेगी और भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। दही से शिव का अभिषेक जो है वो बहुत फलदायी माना जाता है। आप शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल के अलावा आप अक्षत, मतलब जो चावल जो बिना टूटा हुआ हो, अक्षत चढ़ा सकते हैं। वृषभ राशि के जातक, ये बता दूं कि ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जो ज्योतिष में कमाल करते हैं, जिनको बहुत विद्या है इनका, उनके हिसाब से आप श्रावण के महीने में मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप कौन से मंत्र, वो हम आपको बता देते हैं। वृषभ राशि वाले मंत्र है ओम शन शंकराय भवोद्रव्याय शम ओम नमः। मंत्र हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, जिससे कि आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत नहीं हो। खाली इतना ध्यान रखिएगा कि इस मंत्र को रोजाना 108 दफा जाप करना है। बीच में छोड़ने से शुभ फल नहीं मिलेगा। मंत्र हम वापस बोल दे रहे हैं, ओम शन शंकराय भवद्रव्याय शन ओम नमः। इस मंत्र का जाप है, आप रुद्राक्ष की माला पे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप वृषभ राशि वाले, एक चीज हम आपको बड़ी खास बता रहे हैं। देखिए, ज्योतिर्लिंग की पूजा जरूरी नहीं है कि हम उस स्थान पर जाएं पूजा करें, पर कहीं भी रहकर आप राशि अनुसार ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाकर अपने इष्ट ज्योतिर्लिंग को ध्यान रखिए। तो इष्ट ज्योतिर्लिंग कौन, तो वृषभ राशि हम आपको बता दे रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातक को दूसरे ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। दूसरे ज्योतिर्लिंग भगवान मल्लिकार्जुन शैल पर्वत पर स्थित है। सौभाग्य प्राप्ति के लिए पूरे सावन और प्रति सोमवार को आप पूजा कीजिए। ध्यान में रखिए कि आप मल्लिकार्जुन शैल पर्वत पर स्थित भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। अधिक लाभ पाने के लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।